जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर इस एक बार मिली जिंदगी में हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसे पूरी दुनिया हमें जाने, तो फिर बात ही क्या। हर घर में डॉक्टर इंजीनियर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन किताबी पढ़ाई से जरा दूर हटकर कुछ अलग करने का जुनून रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर मिस और मिसेस राजस्थान मॉडल हंट के ग्रैंड फिनाले के ऑडिशन में आए प्रतिभागियों की, जो यहाँ अपने आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। रविवार को जयपुर में द वाइट ग्रास फील्ड में इस मॉडल हंट का फाइनल ऑडिशन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य भर से आए प्रतिभागियों ने अपने जलवे बिखेरे, फैशन जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में अपने भाग्य को आजमाने, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाने के लिए राजस्थान के कोने कोने से आए युवक युवतियां और महिलाओं ने यहां रैंप पर वॉक किया और अपने फैशन का जलवा बिखेरा। ये मौका था मिस्टर मिस एंड मिसेस राजस्थान मॉडल हंट के फाइनल ऑडिशन का। मॉडलिंग का खिताब हासिल करने के लिए करीब 700 प्रतिभागियों ने इस ऑडिशन में रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से तीनों कैटेगरी के लिए जूरी मेंबर्स ने कुल 75 प्रतिभागियों का ग्रैंड फिनाले के लिए चयन किया। इस इवेंट के संरक्षक पवन टांक, डायरेक्टर जेजे कश्यप, पंकज शर्मा, मुकेश सेनी, डॉक्टर हर्ष मिश्रा और ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर योगिता शर्मा ने बताया कि इस दूसरे और फाइनल ऑडिशन में प्रदेश के हर क्षेत्र से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया है। अब केवल वाइल्ड कार्ड एंट्री ही ली जाएगी। फाइनल कैटेगरी में चुने गए प्रतिभागियों को फैशन जगत की मशहूर हस्तियों द्वारा मॉडलिंग के गुर सीखते हुए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न सेशन कराए जाएंगे। शो का ग्रैंड फिनाले 30 जून को गांधी पथ स्थित जयपुर बाग में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्मी सितारे भी शिरकत करेंगे, जहां मिस्टर मिस और मिसेस राजस्थान मॉडल हंट का खिताब फाइनलिस्ट को दिया जाएगा। अगर आप भी मॉडलिंग के शौकीन हैं, तो अब भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मोबाइल नंबर 9829033 8949358597 9414358821 9269272021 पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार, आज हम हैं ग्रास फील्ड में, जो कि श्यामनगर स्थित है, बहुत ही बेहतरीन क्लब है। और इस बेहतरीन क्लब को यहाँ आज जयपुर में जो ग्रैंड फिनाले के लिए आयोजित हो रहा है ऑडिशन प्रोग्राम मिस मिस्टर और मिसेज राजस्थान मॉडल के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ा रही है। यहाँ बहुत सारी बैठी मिसेज और मिस के और युवा भाई, उसका एक फिनाले के लिए जो सिलेक्शन होना है उनका, हमने यहाँ एक ऑडिशन कार्यक्रम रखा हुआ है। और यह कार्यक्रम 30 जून को जयपुर बाग में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए हमारी जूरी मेंबर्स ने करीब 75 प्रतिभागियों का यहाँ चयन किया है। और बहुत ही टैलेंट लोगों में यहाँ देखने को मिला है। प्रतिभाओं की, जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान में कमी नहीं है, आवश्यकता थी मंच उन्हें उपलब्ध कराने की, और अब यही मंच लेकर आ रहा है हमारा ये शो। और इस शो के हमारे डायरेक्टर भाई कश्यप जी, मैं चाहूँगा कि इस शो के बारे में कुछ कहें। कश्यप जी, देखिए जो ये शो आयोजित हो रहा है, शो का मोटो एक अलग है। शो बात कहते हैं मंच उपलब्ध कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा मोटो है कि अपने सपनों को पूरा करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी से पहले अपने देखते हैं कि मॉडलिंग के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पाते, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों का हम लोगों ने ऑडिशन कंडक्ट किया है, उन लोगों की आज सोच पता पड़ी कि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनको ये बना नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, उनको ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो सपना देखा था 10 साल पहले या 5 साल पहले या 15 साल पहले, उस सपना आज हमारा प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। मैं चाहूँगा और भी लोग जुड़ने के लिए इच्छुक हों तो आप इससे सपोर्ट करें। Yeah.
आवश्यकता थी कि उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराने की, और हमारे प्रयास रहे कि उन्हें यहाँ एक सशक्त मंच उपलब्ध कराए जाए, जिसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी हुई। इसका श्रेय मैं सभी मीडिया कर्मियों को और यहाँ की जनता को देना चाहूँगा। 30 जून को यह शो वैशाली नगर स्थित जयपुर बाग में आयोजित किया जाएगा, जो कि गांधी पथ पर है, और बहुत ही अच्छी जगह पर बहुत ही अच्छे लोग और फिल्मी सितारे, मॉडलिंग जगत के बहुत नामचीन हस्तियां वहां आने वाली है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए और देखिए कि राजस्थान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, जिसको हमने एक जगह इकट्ठा किया है। हमारे यहाँ मिस, मिसेज और मिस्टर, जिसमें करीब 75 हमने प्रतिभागी यहाँ से आज से चुने हैं। करीब 700 रजिस्ट्रेशन इस आयोजन के लिए हुए थे, जिसमें से हमने 75 प्रतिभागियों को चुना है, जिनको हम 5 दिन की वर्कशॉप यहाँ देंगे एक्सपर्ट्स द्वारा। उनके बहुत सारे सेशन होंगे और जिन्हें सिखाया जाएगा, उनकी बारीकियाँ सिखाई जाएगी फैशन जगत के बारे में, फैशन के बारे में, एटीट्यूड के बारे में उनका डेवलप किया जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लगाया जाएगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि जिनमें ललक है कुछ करने की, फैशन जगत में आजकल बहुत बच्चे, बहुत महिलाएँ नाम कुमारी हैं आज, मतलब घर के कामकाज से निकलकर महिलाएं आ रही है और वो राजस्थान का, जयपुर का नाम रोशन कर रही है। और उसी कड़ी में हमारे प्रयास है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां आगे आएं और वो दिखाएं हिंदुस्तान को हम भी कुछ है। तो आज हमारे साथ इस ग्रैंड फिनाले शो की मिसेस योगिता शर्मा ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए जानते हैं उनसे कुछ ज्यादा इस शो के बारे में। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ की जो ये कॉम्पिटिशन की लेवल है, कंडीशन में क्या आपने ऐसे स्पेशल देखा पहले ऑडिशन से अभी तक में, क्या कुछ खास रहा? सी लाइक जो एंट्रीज हमें मिली हैं और जो उत्साह देखने को मिल रहा है मिस्टर, मिस एंड मिसेस तीनों कैटेगरी, इट इज ऑसम मैजिकल। जो पिछला हमने लिया था ऑडिशन उससे भी ज्यादा हमारे साथ हम में से सपने तो हर लोग देखते हैं, लेकिन उन सपनों की उड़ान भरने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है, या ये कही कि वो सपने भी कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। कुछ अपने उन सपनों के साथ में चार दीवारी के अंदर दम घोट के बैठ जाते हैं, तो कुछ को रास्ता मिल जाता है और फैमिली का सपोर्ट भी। ऐसे ही आज हम यहाँ कुछ ऐसे लोगों के बीच में आए हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए एक मॉडलिंग हंट में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही कंटेस्टेंट्स। इससे पहले कोई हंट के लिए आपने फाइट किया है? नर्वसनेस? कोई स्पेशल तैयारी यहाँ आने के पहले? करता हूँ और फिटनेस के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। फिटनेस के लिए कॉन्शियस? लास्ट 5 ईयर से मैं जिम कर रहा हूँ। फिटनेस मुझे बहुत पसंद है, फिट रहना, और दूसरों को भी इसके लिए बताता रहता हूँ कि कैसे फिट रहना है, जिम करनी चाहिए। 6 राजस्थानी में काम कर चुकी हूँ, अभी मुझे चांस मिला मॉडलिंग के लिए, जिसमें कितना टाइम हो गया मैम आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करते? मैं मुझे 10 ईयर्स। 10 ईयर्स हो चुके हैं। ये आपका फर्स्ट है कि मॉडल हंट के लिए आप फाइट कर? नहीं, है थर्ड। इसके पहले का कुछ बताएंगे कि इससे पहले मुझे 2011 में बेस्ट फोटो अवार्ड मिला था किंग सिटी का। फिर उसके बाद भी मैं उसकी मैंने मॉडलिंग की थी, जो ये टीवी जब लॉन्च हुआ था एलईडी उसमें मैंने किया। राजस्थान मॉडल हंट के लिए सडनली, मैं तो बिजनेस लाइन में थी, प्रोफेशनल लाइन में हूँ, बट मुझे मेरा पैशन है, मेरा अंदर से ये ख्वाहिश रह गई थी जो मेरे दिल में बहुत टाइम से थी कि मुझे मॉडल बनना है, तो वो मुझे राजस्थान मॉडल हंट की तरफ मुझे आगे पहुँचने का एक मौका मिला है। और कश्यप सर हैं और राजस्थान मॉडल हंट की जितनी भी टीम है वो काफ़ी सपोर्टेबल है, और मुझे लगता है कि इस सब की सपोर्ट से, सहयोग से और आगे बढ़ सकती हूँ, तो मैंने लोगों में यहाँ जुनून है मिस्टर, मिसेस और मिस का राजस्थान मॉडल हंट कंपटीशन की किताब अपने नाम करने का। अगर आपको भी इस कंपटीशन में भाग लेना है तो आप अभी वाई का एंट्री कर सकते हैं। देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। मैं मोनाली, कैमरामैन सीताराम के साथ राजस्थान टाइम्स के लिए।